मैं हूँ ऋचा गुप्ता, वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पूरे साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी है, जिसका नाम है पूरन पोली, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। गर्मा गर्म खाएं, मजा आ जाएगा। तो चलिए बताने जा रही हूँ पूरन पोली कैसे बनाते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चने की दाल, साथ में 1/2 कप गुड़ और 2 से 3 चम्मच चीनी ले रही हूँ, शुगर। अगर आप चाहें तो ये जैगरी ज़्यादा ले सकती हैं, गुड़ ज़्यादा ले सकते हैं और नहीं तो चीनी ज़्यादा ले सकते हैं, ये तो आपके ऊपर मीठा डिपेंड करता है। फिलिंग में मैं डालूँगी सौंफ पाउडर 1/2 चम्मच, 1 कप दाल में 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर, साथ में देसी घी तो ज़रूरी है। पूरन पोली का आटा बनाने के लिए मैं 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूं, साथ में 1/2 चम्मच हल्दी और चुटकी भर यानी 1/2 चम्मच नमक। आप चाहे तो मैदे में बना सकते हैं, आप चाहे तो गेहूं के आटे में बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। सबसे पहले मैं चने की दाल को मैं 1 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखूँगी। ये दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था, अब अच्छे से इसको धुल के पानी निकाल दिया है। अब प्रेशर कुकर में मैं इसे डाल रही हूँ। 1 कप चना की दाल थी तो मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। अब 2 कप पानी के साथ मैं इसे 2 से 3 सीटी मीडियम आंच पे पका लूंगी। जब तक दाल हो रही है तब तक मैं यहाँ पे आटा बना लेती हूँ, इन्हें डो बना ले रही हूँ पूरन पोली का। थोड़ा सा घी, जैसे चपाती का आटा होता है वैसे मुझे बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है। ये पूरन पोली का सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया, जैसे चपाती का होता है उस तरह बिल्कुल मैंने सॉफ्ट तैयार कर लिया। अब इसे मैं रख देती हूँ ढक के, सेट हो रहा है, तब तक यहाँ मैं फिलिंग की तैयारी करती हूँ। इसको मैंने मीडियम आंच पे 3 सीटी लगा लिया है, ये दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब इसको एक छलनी में इसको छान लेंगे, पानी इसका नीचे आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी गल गई है। अब इसको मिक्सी की सहायता से दाल गुड़ एक साथ पीस लूँगी। ये दाल इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, ये आप चाहे तो बिना पीसे भी बना सकते हैं, आप भूनते समय इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा पीस ले रही हूँ मिक्सी की सहायता से। अब इसमें डाल रही हूँ सौंफ पाउडर, इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर, साथ में 2 चम्मच चीनी और ये 1/2 कप गुड़। अब इसको पीस लूँगी। ये दाल मैंने पीस लिया है, अब इसको मैं एक फ्राई पैन में अच्छे से सुखा लूँगी गैस पे। अब इसको मैं बिल्कुल अच्छे से सुखा लूँगी, गैस ऑन कर दिया है फ्राई पैन में, इसको खूब अच्छे से सुखा लूँगी टाइट सा, क्योंकि मुझे इसे फिलिंग करना है। बराबर चलाते रहना है क्योंकि ये लगने न पाए, इसमें मीठा पड़ा हुआ है गुड़, इसे बराबर चलाते रहना है। इसको मैंने अच्छे से धीमे धीमे आँखों पे बिल्कुल सुखा लिया है। अब इसे मैं खाली कर लूँगी एक बर्तन में और ठंडा होने के बाद इसे पूरन पोली बनाऊँगी। ये गैस ऑन करके मैंने तवा रख दिया है। ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जब आटा सॉफ्ट होता है तो फिलिंग करने में ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आटा हमेशा सॉफ्ट बनाना चाहिए यानी डो। अभी तवा अच्छे से गर्म हो गया है, इस पे थोड़ा सा देसी घी, लगाने के बाद
ये गर्मा गर्म पूरन पोली बन के तैयार है। इसे मैं खीर के साथ और देसी घी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, या रोल बना के भी इसको बच्चों को दे सकते हैं, या किसी ओकेजन पे या फेस्टिवल पे भी इसे बना के खा सकते हैं। आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।